हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ दीपक वेयर फ्रॉम व्यवहारिक क्लासेस। टुडे विल स्टार्ट अवर पॉलिटिकल साइंस लेसन नंबर 5, इंडिया एंड अदर कंट्रीज। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द राइट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 4, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा। द कंट्री दैट हैज फ्री इंटरनेशनल बॉर्डर विथ इंडिया। ऐसी कौन सी कंट्री है कि जिसका इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया के साथ फ्री है? ऑप्शन आपको दिए गए पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार। करेक्ट आंसर इज नेपाल। द कंट्रीज दैट हैव टेंस रिलेशन विथ इंडिया। ऐसी कौन सी कंट्री है जिससे इंडिया का टेंस रिलेशन है? पाकिस्तान एंड चाइना, नेपाल एंड भूटान, म्यांमार एंड मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड अमेरिका। करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान एंड चाइना। इनके साथ में हमारे जो इंडिया के रिलेशन है वो टेंस्ड रिलेशन है। नेक्स्ट है फैक्टर्स दैट हैव इन्फ्लुएंस ऑन रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है, ऐसे कौन से फैक्टर्स की वजह से जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए। डिफरेंस इन द वर्ल्ड व्यू बोथ कंट्री, कश्मीर इशू है, न्यूक्लियर राइवलरी है, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सब प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मतलब दोनों का नज़रिया अलग है देखने के लिए। कश्मीर का इशू है, न्यूक्लियर राइवलरी है और ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन विद द रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट दिए जाएंगे वो ट्रू है क्या फॉल्स है आपको बताना है। इंडिया हैज एन इम्पोर्टेंस पोजिशन अमंग द साउथ एशियन कंट्री। इंडिया की जो इम्पोर्टेंस पोजिशन है साउथ एशियन कंट्रीज में, एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ एशियन कंट्रीज जो है वो उसमें इम्पोर्टेंट। द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अपने अगर ट्रू और फॉल्स भी लिखा तो यहाँ पे आपको एक मार्क मिल सकता है और उसके रीजंस आपको देने पड़ेंगे। रीजंस है इंडियाज पोजिशन इन एशिया इज जोग्राफिकली पॉलिटिकली वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया की जो भी पोजिशन है वो जोग्राफिकली और पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है। इंडिया इज जोग्राफिकली द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में सबसे बड़ी कंट्री इंडिया है जोग्राफिकली। इंडिया हैज एस्टेब्लिश रिलेशन विथ इट्स नेबर। इंडिया ने अपने नेबर्स के साथ में अच्छे रिलेशन मेंटेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू लाइक इक्वलिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इक्वलिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से अपने पास के जो नेबरिंग कंट्रीज है उससे रिलेशन डेवलप किए हैं। इंडिया इज इकोनॉमिकली एंड मोस्ट टेक्निकली डेवलप्ड कंट्री इन साउथ एशिया। इकोनॉमिकली और टेक्निकली इम्पॉर्टेंट है साउथ एशिया की कंट्री। दस इट इज नेचुरल दैट इंडिया हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस अमंग द साउथ एशियन कंट्री। तो ये नेचुरल है इंडिया की, उसका ग्रेट इन्फ्लुएंस है, दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस है साउथ एशियन कंट्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनो इंडिया रिलेशन आर फ्रेंडली। ये पिछले जो है अगले लेसन में भी आने वाला ही है। सिनो इंडिया मतलब चाइना का और इंडिया का रिलेशंस फ्रेंडली है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है उसकी वजह दी गई आपको। देयर इज डिसएग्रीमेंट अबाउट सिनो इंडिया बॉर्डर्स। आज भी जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर इशू है वो दोनों भी कंट्री उसके लिए एग्री नहीं है। देयर इज डिसएग्रीमेंट ऑन द इशू ऑफ तिबेट। तिबेट का जो इशू हुआ उसके लिए भी दोनों डिसएग्री है। दस दिस इशू हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्री बिटवीन टू। तिबेट के इशू से और बॉर्डर इशू से दोनों में टेंशन चल रहा है। चाइना इन्वेडेड इंडिया इन 1962। चाइना ने 1962 को इंडिया के ऊपर अटैक किया था। एंड द ग्रोइंग फ्रेंडशिप बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान इज थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। जो ग्रोइंग फ्रेंडशिप है दोनों की, चाइना और पाकिस्तान की, क्योंकि दोनों दुश्मन है अपने। आपको पता है कि इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान है और चाइना ने क्या देखा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसीलिए उसने चाइना ने पाकिस्तान के साथ में फ्रेंडशिप की और ये हमारे लिए खतरे की बात है। इंडिया हैज मेड मेनी अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव रिलेशन बट हैज नॉट मेट विद द सक्सेस। इंडिया ने बहुत सारे अटेम्प्ट किए, बहुत सारे कोशिश की रिलेशन इम्प्रूव के लिए, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया सेंट पीस कीपिंग फोर्स टू हेल्प द श्रीलंकन गवर्नमेंट। इंडिया ने श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है उसको पीस कीपिंग फोर्स, शांति बनाए रखने के लिए जो फोर्स है वो भेजी थी
अबाउट स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट ट्रू है. क्यों? उसकी वजह है देयर वॉज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी श्रीलंका आफ्टर 1985. 1985 के बाद में श्रीलंका में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, मतलब पॉलिटिकली अनस्टेबल हुआ था, अनफिक्स हुआ था कि वहाँ की सिचुएशन जो थी स्टेबल नहीं थी. ऐसे वक्त में डिफरेंस बिटवीन श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड तमिल पॉपुलेशन रिजल्टेड इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन श्रीलंका. क्या था? श्रीलंकन गवर्नमेंट एक साइड और दूसरे साइड में तमिल पॉपुलेशन. तो इसकी वजह से पॉलिटिकली वीक हो चुका था सिचुएशन, और सिचुएशन ऐसी वर्स्ट हो गई कि इंडिया वांटेड पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन तमिल एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट. इंडिया को लगा कि कुछ पीसफुल वे निकालेंगे, कि रास्ता निकालने के लिए पीसफुल वे होना चाहिए, इसीलिए इन श्रीलंका गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्स सेंड की थी. कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट. आपको इसे चार्ट आएगा, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, आपको कंसेप्ट मैप आ सकता है, जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे आपको फिल इन करना है. तो चलो देखते हैं ट्रिटीज और उसके कंट्रीज कौन से कौन से. शिमला एग्रीमेंट कौन से दो कंट्री में हुआ? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ. मैकमोन लाइन कौन से दो कंट्री का है? इंडिया और चाइना का इश्यू है. शेयरिंग रिवर वाटर्स एंड शेयर बॉर्डर इंडिया और बांग्लादेश का है. इंपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस कौन से दो कंट्री का है? इंडिया और म्यांमार. सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट कौन से दो कंट्री में हुआ? इंडिया एंड अमेरिका. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हेल्थ कौन से दो कंट्री में है? इंडिया एंड मालदीव्स. समिट कॉन्फ्रेंसेस 2005 इंडिया और अफ्रीका में है. राइट शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स है आपको लिखने हैं, 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं. शिमला एग्रीमेंट क्या है उसके बारे में लिखिए. इवन दो द 1971 वॉर वॉज अबाउट क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, इट हैड डायमेंशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम इन इट. 1971 का वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ में, उसके वजह से बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, बांग्लादेश नाम की नई कंट्री सामने आई, और फिर भी कश्मीर प्रॉब्लम जो था वो चल रहा था. आफ्टर द डिफीट ऑफ पाकिस्तान इन द इंडो पाक वॉर 1971 को पाक का डिफीट हुआ, पाक हार गए पाकिस्तान. शिमला एग्रीमेंट वॉज साइन बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 1972 में शिमला एग्रीमेंट वहाँ पर साइन किया गया. इट वॉज एग्रीड दैट आउटस्टैंडिंग इशूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान शुड बी रिजॉल्व बायलेटरली. हम डिस्कशन से इंडिया और पाकिस्तान जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, हम आमने सामने सॉल्व करेंगे, ऐसा एग्रीमेंट में तय हुआ. इट प्रोवाइडेड न्यू फॉर्मेट टू द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. एक नया फॉर्मेट, एक नई वजह सामने आई कि जिसमें से इंडिया और पाकिस्तान आपस में बात कर सकते हैं. सेकंड शॉर्ट नोट है इंडो नेपालीज फ्रेंडशिप ट्रीटी. इंडो नेपालीज फ्रेंडशिप ट्रीटी, इंडिया और नेपाली फ्रेंडशिप ट्रीटी. नेपाल इज लैंडलॉक कंट्री एंड इट इज प्रोवाइडेड एक्सेस टू द आउटसाइड वर्ल्ड बाय फ्री इंटरनेशनल बॉर्डर विथ इंडिया. नेपाल जो है लैंडलॉक कंट्री है और आउटसाइड वर्ल्ड उसका जो भी है फ्री इंटरनेशनल बॉर्डर, इंडिया के साथ में उसका फ्री इंटरनेशनल बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर है. इसीलिए फाउंडेशन ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड नेपाल वॉज लेड इन इंडो नेपाली फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950 में इंडो नेपाली फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई, कि ये दोनों की फ्रेंडशिप का फाउंडेशन था. क्या था उसमें? अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, ये ट्रीटी के हिसाब से नेपाली सिटीजन कैन नॉट ओनली एंटर इंडिया बट दे आर ऑल्सो परमिटेड टू टेक अप गवर्नमेंट जॉब्स. नेपाली सिटी सिर्फ इंडिया में आ नहीं सकते तो वो गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट ने उनको फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत एग्री किया एंड कैरी ऑन ट्रेड इन इंडिया, और इंडिया में ट्रेड बिजनेस भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन. मैकमोहन लाइन क्या था ये देखिए. द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज रिलेटेड टू मैकमोहन लाइन. आज इंडिया और चाइना का जो प्रॉब्लम चल रहा है बॉर्डर का, वो मैकमोहन लाइन से प्रॉब्लम है. मैकमोहन लाइन का जो बॉर्डर इश्यू है वो. चाइना क्लेम्स दैट द एरिया ऑफ द साउथ एक्सेस चीन एंड द मैकमोहन लाइन इज चाइनीज टेरिटरी. चाइना बताता है, क्लेम कर रहा है कि हमारा एरिया जो है साउथ एक्सेस चीन और मैकमोहन लाइन ये हमारा एरिया है. मैकमोहन लाइन मतलब ये अरुणाचल प्रदेश के पास में का एरिया है. चाइना इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट मैकमोहन लाइन एज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना. चाइना एक्सेप्ट नहीं कर रहा है मैकमोहन लाइन जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है.
हर एक कंट्री की बॉर्डर होती है, तो मतलब बॉर्डर हर एक कंट्री की बॉर्डर होने के बाद में जो सेंटर का एरिया होता है दैट इज इंटरनेशनल बॉर्डर। तो चाइना एग्री नहीं कर रहा है, वो इंडिया मेड सेवरल एफर्ट टू सॉर्ट आउट दिस रेसिडुअल मीन्स ऑफ डायलॉग, बात करके सुलझाने की कोशिश की इंडिया ने लेकिन सफल नहीं हुआ। दस दिस हैज गिवन राइज टू बॉर्डर डिस्प्यूट विच लेट चाइनीज इन्वेंशन ऑफ 1962। लेकिन 1962 में चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया इसी बॉर्डर इश्यू के तहत। नेक्स्ट है इंडो अफगानिस्तान रिलेशन, इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशन कैसा है। देयर इज लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकली उल्था पुलथ वहाँ पर हो रही है, मतलब ऐसे स्टेबल ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं था। और विद द रिटर्न ऑफ नॉर्मल्स इन अफगानिस्तान, इंडिया हैज एक्सटेंडेड हेल्प टू ब्रिंग पीस। इंडिया ने हेल्प करने की कोशिश की कि अफगानिस्तान में वो नॉर्मल सी करेगा। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, कर्ब वायलेंस एंड एस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो वायलेंस कम करने के लिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए उन्होंने एस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश की। इंडिया इज हेल्पिंग अफगानिस्तान इन री एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन फैसिलिटी, बिल्ड रोड्स, स्कूल्स, हेल्थ फैसिलिटीज एंड इरीगेशन प्रोजेक्ट। इंडिया ने हेल्प की अफगानिस्तान को कि कम्युनिकेशन फैसिलिटी, रोड बिल्ड करने के लिए, स्कूल, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए प्रोवाइड करने के लिए, इरीगेशन प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने बहुत सारी हेल्प की वहाँ का पाकिस्तान सॉरी अफगानिस्तान को। इंडिया इज ऑल्सो एक्सटेंडिंग कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया जो है कोऑपरेट कर रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी के तहत भी, अफगानिस्तान को जितना चाहिए उतनी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ में क्वेश्चन देना है आपको, उसके आंसर देना है आपको। एक्सप्लेन द बैकग्राउंड एंड कोऑपरेटिव रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। इंडिया और अमेरिका का कोऑपरेटिव रिलेशन जो है वो, अमेरिका हैज़ बीन इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर। अमेरिका जो है इंडिया का इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, ट्रेडिंग मतलब बिजनेस पार्टनर है। आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के बाद में मिलिट्री रिलेशन बिटवीन बोथ कंट्री इंक्रीज कंसिडरेबली। मिलिट्री रिलेशन दोनों में डेवलप हो गए और इंडिया अडॉप्टेड फ्री मार्केट इकोनॉमी 1991 में इंडिया ने फ्री मार्केट इकोनॉमी ये किए। मतलब क्या कि बाहर के कोई भी कंट्री आकर 1991 के बाद में इंडिया में बाहर की कंट्री इन्वेस्टमेंट करके खुद के फैक्ट्रीज, खुद का प्रोडक्ट बेच सकते हैं, विच फर्दर स्ट्रेंथन द ट्रेड रिलेशन। इसकी वजह से ट्रेड रिलेशन भी डेवलप हुआ। देयर वॉज टेंशन ऑन रिलेशन बिटवीन टू कंट्री, लेकिन दोनों में टेंशन क्रिएट हुआ कब, 1998 में। क्यों हुआ, बिकॉज इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट। इंडिया ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट की और उसके वजह से दोनों में टेंशन क्रिएट हुआ। हाउएवर इंडिया मैनेज टू कन्विंस अमेरिका दैट इट विल यूज न्यूक्लियर वेपन रिस्पॉन्सिबली। लेकिन इंडिया ने कन्विंस किया अमेरिका को कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन का, और न्यूक्लियर वेपन का हम यूज करेंगे तो वो यूज जो है रिस्पॉन्सिबली, हम जिम्मेदार है उसके लिए, वाइजली हम उसका यूज करेंगे। इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप वॉज टोटली ट्रांसफॉर्म एंड वॉज लेड टू इंक्रीजिंग कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। इंडो अमेरिकन रिलेशन जो था टोटली ट्रांसफॉर्म, टोटली चेंज हुआ, इंक्रीजिंग कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाक अमेरिका। तो इंडो अमेरिकन रिलेशन और डेवलप हो गया, एक दूसरे को कोऑपरेट करने जा रहे। सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट वॉज साइन 2005। सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ 2005 में, अप्रूव्ड बाय यूएस कांग्रेस इन 2008। और यूएस कांग्रेस जो थे, अमेरिका की जो कांग्रेस है 2008 में, उन्होंने लैंडमार्क था कि अमेरिकन रिलेशन, इंडिया अमेरिकन रिलेशन इंप्रूव हो चुके हैं। नेक्स्ट है गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द एफर्ट्स टेकन बाय इंडिया फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन नेबरिंग कंट्री विद एग्जाम्पल। आसपास के जो कंट्रीज है उसमें डेमोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए इंडिया ने कैसे कैसे हेल्प की ये आपको लिखना है। इंडिया हैड हेल्प इन इमर्जेंस ऑफ बांग्लादेश 1971 में, बांग्लादेश की निर्मिति के लिए, बांग्लादेश का जो कंट्री का नया शुरुआत जो हुआ उसके लिए इंडिया जिम्मेदार है। द फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान हैड लिंग्विस्टिक डिफरेंस एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। जब इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया के जो हिंदुस्तान के दो पार्ट बने, पाकिस्तान और इंडिया, तो पाकिस्तान के फिर से दो पार्ट थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान जो था, ईस्ट पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश, उनमें लिंग्विस्टिक डिफरेंस थे, लैंग्वेज के डिफरेंस थे, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में। ऐसे वक्त में इंडिया एक्टिवली सपोर्टेड द मूवमेंट विच ट्राई टू फ्री बांग्लादेश।
और बांग्लादेश फ्री करने के लिए इंडिया ने सपोर्ट किया बांग्लादेश को, एंड बांग्लादेश विलिंगली एक्सेप्टेड डेमोक्रेसी अंडर द गाइडेंस ऑफ इंडिया, और बांग्लादेश ने डेमोक्रेसी एक्सेप्ट की और गाइडेंस लिया इंडिया का इस बारे में। इंडिया हैज हेल्प नेपाल एंड अफगानिस्तान इन एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी, पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। इंडिया ने नेपाल को भी हेल्प की, अफगानिस्तान को भी हेल्प की डेमोक्रेसी के लिए, पीस और सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन? क्या रोल है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन का, रोल क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है सार्क, पहला पहला लेटर लिया SAARC, देखिए ऐसे आर। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क, देखिए सार्क का फुल फॉर्म है ये। सार्क वॉज एस्टेब्लिश बाय द कंट्रीज इन साउथ एशिया 1985, सार्क एस्टेब्लिश हुआ 1985 में। द पर्पज बिहाइंड द एस्टेब्लिश द सार्क वॉज टू एनकरेज इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन साउथ एशियन नेशन एंड देयर बाय द अचीव द डेवलपमेंट बाय साउथ एशियन नेशन। द पर्पज बिहाइंड एस्टेब्लिश सार्क, सार्क क्यों एस्टेब्लिश हुआ? टू एनकरेज इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बिटवीन साउथ एशियन नेशन, साउथ एशियन के जो भी नेशन है और उनका डेवलपमेंट के लिए सार्क एस्टेब्लिश हुआ। एट प्रेजेंट नंबर ऑफ मेंबर सार्क इज 8, आज 8 मेंबर है उसके सार्क के। कौन से कौन से? देखिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एंड अफगानिस्तान। गिव योर ओपिनियन, व्हाट रेमेडीज वुड यू सजेस्ट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टेंशन इन द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? क्या आप क्या सॉल्यूशन बताओगे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के लिए, क्या सॉल्यूशन बताओगे आप? देखिए ट्रस्ट डेफिसिट, दोनों में ट्रस्ट ही नहीं है, लैक ऑफ ट्रस्ट, डेफिसिट मतलब लैक, दोनों में विश्वास ही नहीं एक दूसरे के लिए, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ब्रिजेस ऑफ ट्रस्ट कैन बी डेवलप बिटवीन पीपल टू कंट्री बाय इंक्रीज इन ट्रेड, दोनों में बिजनेस बढ़ा सकते हैं, कोऑपरेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, कल्चरल एजुकेशनल एक्सचेंज, कल्चरल और एजुकेशनल एक्सचेंज कर सकते हैं। लीडरशिप विल हैव टू डिस्प्ले मैच्योरिटी इन द इशू लाइक शेयरिंग रिवर वाटर, लीडरशिप चाहिए जैसे वाटर शेयरिंग है रिवर्स का उसके लिए। एंड द एग्रीमेंट इन दिस रिगार्ड शुड बी रिस्पेक्टेड, जो एग्रीमेंट बनाया गया उसका रिस्पेक्ट करना जरूरी है। रेटोरिक ऑफ एनिमी परसेप्शन हैज टू स्टॉप, दुश्मनी की जो परसेप्शन है, सोच जो है दुश्मनी की, वो स्टॉप करनी चाहिए। टू कंट्रीज कैन रिसॉल्व इवन कश्मीर इशू विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ शिमला एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट के तहत कश्मीर इशू भी सेटल हो सकता है। द टू कंट्रीज शुड एग्री टू रिस्पेक्ट सॉवरेनिटी, एक दूसरे की डेमोक्रेसी फ्रीडम को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। स्टॉप इंटरवेनिंग इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ इच अदर, एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर करना बंद करना चाहिए दोनों ने। टेररिज्म इज कॉजिंग हैवॉक बोथ इन इंडिया एंड पाकिस्तान, टेररिज्म जो है हर जगह कन्फ्यूजन कर रहा है, इंडिया और पाकिस्तान में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। दे शुड इवॉल्व ज्वाइंट स्ट्रेटेजी टू टैकल टेररिज्म, टेररिज्म को रोकने को दोनों ने कोशिश करनी चाहिए। पुट इन टेररिस्ट एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटी भी उससे कम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद द व्यू हर्डल्स आर क्रिएटेड इन द इंटरनल डेवलपमेंट बाय टेंस रिलेशन विथ नेबरिंग कंट्री? हर्डल्स मतलब ऑब्स्टेकल, इंटरनल डेवलपमेंट के लिए नेबरिंग कंट्री जो टेंस सिचुएशन कर रही है उसके लिए ऑब्स्टेकल जो है ये डेवलपमेंट में रोकते हैं, क्या आप इससे एग्री है? यस आई एंटरली एग्री, क्योंकि आपको पता है कि बाहर के जो दूसरे कंट्रीज है प्रोग्रेस रोकने के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। टेंस रिलेशन दैट विद नेबरिंग कंट्री आर हर्डल्स इन डेवलपमेंट, ये तो टेंस रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ में होने की वजह से हमारी डेवलपमेंट भी रुकती है। कैसा कह सकते हो आप? देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज विजनरी एंड हैड गिवन प्रायोरिटी टू एस्टेब्लिश कॉर्डियल रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्री, उन्होंने कॉर्डियल रिलेशन एस्टेब्लिश, फ्रेंडली रिलेशन रखने के लिए उन्होंने शुरू से कोशिश की है। ही बिलीव दैट इंडिया विल बी एबल टू फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द एब्सेंस ऑफ टेंस रिलेशन विद नेबर्स, तो उन्होंने इंडिया जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए टेंस रिलेशंस नहीं रखेगी नेबरिंग कंट्री से पहले से देखा। एंड इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं रहेगा, टेंशन ही नहीं रहेगा, एनॉर्मस एक्सपेंडिचर ऑन न्यूक्लियर, न्यूक्लियर का जो खर्चा है प्रोग्राम एंड मिलिट्री प्रिपेयरनेस कुड बी रिड्यूस,
तो मिलिट्री का काम कम हो जाएगा, प्रोग्राम कम हो जाएंगे एंड दिस कुड बी फुल फ्रूटफुली यूज फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। तो उससे गरीबी हटा सकते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, देयर बाय ब्रिंगिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इसके वजह से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हो सकती है। इट विल एनेबल द कंट्री टू फोकस ऑन ह्यूमन सिक्योरिटी। तो कंट्री को एनेबल होगा ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू थिंक दैट स्ट्रांग हेल्दी रिलेशन विथ अमेरिका आर कंडिसिव टू इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या आप देख सोच सकते हो कि जो हेल्दी रिलेशन है अमेरिका के साथ वो हेल्दी है, उसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा? आई एंटायरली एग्री विद द व्यू, मैं एंटायरली एग्री हूँ आपके व्यू के साथ में कि स्ट्रांग हेल्दी रिलेशन अमेरिका आर कंडिसिव टू इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। In 2005, the India-US Civil Nuclear Agreement was signed by Dr. Manmohan Singh. 2005 में इंडिया और अमेरिका का एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ। Then the Prime Minister of India और जॉर्ज W. Bush जो थे जूनियर, देन अमेरिका प्रेसिडेंट, ये दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ। और 2008 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इन्होंने अप्रूवल किया ये डील को। क्या डील थी देखो, बिकॉज ऑफ दिस डील इट बिकेम पॉसिबल फॉर इंडिया टू गेट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल। दूसरे कंट्री से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट, अमेरिका इज टेक्निकली एडवांस कंट्री। आपको पता है कि अमेरिका डेवलप्ड कंट्री, टेक्निकली एडवांस है। इट कुड मेक अवेलेबल टेक्नोलॉजी एज वेल एज कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये अवेलेबल करते हैं कि टेक्नोलॉजिकली जो भी होगा उसके लिए कैपिटल इंडिया को जो लगने वाला है, इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लगने वाला है, उसके लिए कोऑपरेट कर रहे हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज कैन ओपन देयर कैंपसेस इन इंडिया। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने उनके कैंपस ओपन किए हैं, जिसकी वजह से इंडिया में के जो स्टूडेंट्स है, मेक अवेलेबल बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन इंडियाज यंगर जनरेशन। इंडिया के यंग जनरेशन के लिए वो ठीक रहेगा, उनका एजुकेशन मिलेगा। दिस न्यू जनरेशन विल शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। जिसकी वजह से ये यंग जनरेशन के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि इंडिया की ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल ब्रिंग द प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्प इन आवर पॉवर्टी एलिवेशन एक्टिविटी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होती है तो हमारी तरफ प्रोग्रेस होगी, पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाई जाएगी इंडिया की। इस तरीके से हमारा ये पूरा लेसन टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हमने कवर किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी के लेसन्स की लिंक आपको मिल जाएगी और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो जब भी आपको अपलोड होगा तब आपको उसकी इंटीमेशन मिल जाएगी।